तेलंगाना से हम अपील करते हैं। पिछली मरतबा भी हमने अपील किया था कि जो है इस काम को जो स्लो रफ्तार से चला रहे हैं इसको जो है तेज़ रफ्तार के साथ बढ़ाया जाए और कम वक्त में इसको मुकम्मल करके यानी सहूलतें फराहम की जाए ताकि जो है मुसल्लियों के आने जाने का रास्ता बने, हर मुसाफिर के लिए जो है सहूलत का सबब बने। या अगर काम में ताखीर हो रही है तो कम से कम जो है पैदल चलने का रास्ता तो भी कम से कम मुहैया कर दें ताकि आने वाले रमज़ान में यानी इबादत गुजार लोगों के लिए और तरावी पढ़ने के लिए जो ख़वातीन आती हैं उनके लिए जो है यानी एक रास्ता बन सके ताकि जो है मस्जिद को जो है बसहूलत आसानी के साथ पहुंच सके। ये हमारी अपील है इंतज़ामिया जानिब इंतज़ामिया की तरफ से और तमाम जो है मस्जिद की जो है मुसल्लियों की तरफ से और तमाम मोहल्ले वालों की तरफ से हम अपील करते हैं कि इस काम को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं अब्दुल अज़ीज़ मस्जिद हनफिया का सदर ज़िम्मेदार हूँ। मस्जिद जहाँ पर सरू नगर चौरस्ते पे जो संकेश्वर बाज़ार पे है, ये जो नाले का काम तकरीबन डेढ़ महीने से जो चल रहा है अभी कुछ अभी तक उसका अंजाम नहीं हुआ है। जो मुसलियाँ रहते हैं करीब में उनके लिए बहुत तकलीफ़ हो रही है क्योंकि गलियों में से भी जो है रास्ता बंद है, आने के लिए रास्ता नहीं है वहाँ पर। और मेरी अबदन गुजारिश है अपने मिनिस्टर साहब के टीआर साहब से और बल्दिया के जो कमिश्नर साहब से और हमारे मलकपेट एमएलए अहमद बिन अब्दुल्ला बलारा साहब से कि हमको कम से कम चलने का रास्ता दिए तो भी मुसल्लियों को आने जाने का जो है रास्ता आसान हो सके हम लोग को मस्जिद को आने के लिए। और अभी 15 दिन रह गए, हमारे को 2 हफ्ते रह गए रमज़ान के लिए। तरावियों के जो अहतमाम होता है यहाँ पर ख़ासतौर पर जितने आस पास की मस्जिदों में जो ख़वातीन के इंतज़ाम नहीं है, हमारे इस मस्जिद में ख़वातीन के इंतज़ाम है। तो हम ये अपील करते हैं हुकूमत से कम उसको चलने का रास्ता दिया तो हम लोग को रमज़ान की पूरी भरपूर हम इबादत कर सकते हैं। और अपील ये करते हैं आप लोग को कि हुकूमत जो है जल्द से जल्द इसको चलने का रास्ता जो है अगर दे दिए तो आसान से आसान होगा।